मध्य प्रदेश के जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारी को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें 1,500 रुपए का अर्थदंड भी चुकाना होगा। पूर्व सांसद और उनके साथियों पर अभियोजन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार से हर महीने 20 लाख रुपए देने की मांग की थी। ठेकेदार के साथ मारपीट भी की गई। नए साल का हर तरफ लोग अपने तरह से स्वागत कर रहे हैं। मंदिरों में सोमवार को भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। मध्य प्रदेश में आज सबसे ज्यादा भक्त उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। राज्य के सीएम ने भी बाबा महाकाल से राज्यवासियों के समृद्ध जीवन की कामना की है। मेरठ नगर निगम की बैठक में पार्षदों की पिटाई का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को बसपा पार्षदों से मुलाकात की। आपको बता दें कि नगर निगम के संग्राम पर आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा कि सीएम गुंडों को यूपी से बाहर भेजने की बात करते हैं, फिर मारपीट करने वाले कौन हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को नए साल के पहले दिन यूपी के मथुरा के दौरे पर रहे। इस दौरान राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में लड़कियों के लिए संवेद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इसके बाद बीजेपी के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने 3 दिवसीय सृष्टि पूर्ति महोत्सव को संबोधित किया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की रस्म आगामी 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगी। राम मंदिर का निर्माण करा रही संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरे जी जान से जुट गई है। 2 दिन शनिवार रविवार को इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी में मंथन हुआ, तो वह यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई है। इस बीच एक बार फिर से ये प्रियंका गांधी की यूपी से चुनाव लड़ने की खबरें सुर्खियों में माना जा रहा है कि ये यहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर यूपी के प्रभारी ने जवाब दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत से पहले कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। शनिवार और रविवार को सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्यवार सीटों को लेकर चर्चा की गई है। इनमें इस राज्यों में कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं यूपी को लेकर भी सीटों पर चर्चा हुई। मुरादाबाद में मन की बात कार्यक्रम के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। मंच पर बैठने को लेकर बीजेपी नेता और दबंग प्रधान आमने सामने आ गए हैं। आरोप किए हैं कि साथियों के साथ ग्राम प्रधान ने बीजेपी नेता की पिटाई कर दी है। बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज नए साल का पहला दिन है। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नए साल की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो ने बेरोजगारी, गैर बराबरी, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे उठाते हुए इशारों में मोदी सरकार भी हमला किया है। बिग बॉस 17 काफी चर्चा में बना है। शो पहले दिन से खूब लाइमलाइट बटोर रहा है। घर में हर गुजरते दिन नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल ही में शो में डबल एक्शन एक्विशन हुआ है। एक्ट्रेस रिंकू धवन और नील भट्ट शो में से बाहर हो गए हैं। अब बिग बॉस से बाहर आने के बाद रिंकू धवन का एक वीडियो काफी चर्चा में बना है।